प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने कई सारे सैद्धांतिक चैप्टर्स के ऊपर ई लेक्चर्स देखे हैं। आज हम प्रायोगिक कक्षा के तौर पर कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और आग के अर्ध वनस्पतिक भाषा में किस प्रकार से वर्णन किया जाता है प्रायोगिक कक्षा में, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, जैसा कि आप जानते हैं, जंगली पॉपुलेशन के अंदर ये आंकड़ा या नाना आंकड़ा के नाम से जाना जाता है और ये एस्कल्पिडेसी कुल में वर्गीकृत किया जाता है। इस पुष्प का क्षुपीय स्वरूप होता है। ये पुष्प जो है, अगर आप जंगली पॉपुलेशन में देखेंगे तो वहाँ पर जो इसकी पत्तियाँ मोटी मोटी लेदरी होती है और इसके अंदर वाइट बैंगनी पुष्प जो है इसके ऊपर पाए जाते हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये आँख है। पुष्प का वर्णन अगर हम देखें तो इसका विभिन्न टेक्निकल शब्दों के अंदर इसका वर्णन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हैबिट की या प्रकृति की। ए लार्ज श्रब, ये बड़ा क्षुप होता है, मच ब्रांच्ड, बहुशाखित होता है और इसके सभी भागों में मिल्की लेटेक्स पाया जाता है। स्तंभ हर्बेशियस शाकी होता है, नीचे का तना जो इसका काष्ठीय होता है। एरियर होता है वाइवी होता है, इरेक्ट ये खड़ा होता है। ब्रांच्ड होता है, शाकित होता है तना इसका, बेलनाकार होता है, ठोस होता है, नीचे के पोर्शन इसके स्मूथ होते हैं और ऊपर के पोर्शन पर कई सारे रुई के समान हेयर्स पाए जाते हैं। ये पीला हरा होता है और स्तंभ के पूरे भाग में मिल्की लेटेक्स की उपस्थिति देखी जाती है। पर्ण कॉलाइन एंड रेमल स्तंभिक एवं शाकी होती है। पत्तियाँ जो है वो तने के ऊपर विपरीत और क्रोशित लगी रहती है। हम कह सकते हैं कि जब डेकोसेट कर होता है, यहाँ पर वह पहला पत्ती का जोड़ा दूसरी पत्ती के जोड़े से 90 डिग्री के एंगल पर लगा रहता है। ये सब सेसाइल होती है और हम कह सकते हैं कि ये अर्धवृंति होती है। आगे से पर्ण का हिस्सा जो है वो तीखा होता है, जिसे हम तीक्ष्ण कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। हेरी होती है, पर्ण के ऊपर कई सारे वूली हेयर्स पाए जाते हैं और इसके अंदर एक सिरी ये जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। पुष्पक्रम, आग के अंदर जो पुष्पक्रम पाया जाता है उसे हम बहुशाखी सहसिमाक्स कहते हैं। यह सहसिमाक्स का एक प्रकार होता है जिसमें पर्ण पौधे के शीर्ष के ऊपर फ्लावर आ जाता है और ये फ्लावर जो है कई सारे रूपों के अंदर जो है विभाजित होता है, इसलिए वहाँ पर जो है कई सारी शाखाएं नजर आती हैं पुष्प के ऊपर, इसलिए इसको बहुशाखी सहसिमाक्स कहते हैं। पुष्प का वर्णन अगर हम देखें तो पुष्प का वर्णन कैसे करेंगे। पुष्प जो है लार्ज होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं और कभी कभी इसके अंदर वाइटिश सेड भी पाया जाता है। इसमें कोई किसी प्रकार की खुशबू नहीं होती है। ब्रैक्टिएट होते हैं, जिसे हम सहपत्री कहते हैं, सहपत्रिका युक्त होते हैं। व्रंतीय होते हैं, कंप्लीट का मतलब पूर्ण होते हैं, इसमें सभी भाग पाए जाते हैं पुष्प के। ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जिसे हम किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं और जिसे हम कह सकते हैं त्रिज्या सम्मित होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट मीन्स ये द्विलिंगी होते हैं, इसमें दोनों ही सेक्स पाए जाते हैं। पेंटामेरस पंचतई होता है। हाइपोगाइनस, जिसे हम कह सकते हैं कि जय इसके अंदर ओवरी के बाकी सभी भाग ओवरी के नीचे से निकलते हैं और ओवरी सुपीरियर होती है और इसको कह सकते हैं हम कि जायंग धर होता है पुष्प। और चक्रिक होता है, चक्रिक का मतलब होता है कि जय इसमें पुष्प के अंदर जो भी भाग होते हैं वो सारे चक्रों के अंदर लगे रहते हैं, जैसे कैलिक्स का चक्र होता है, करोला का चक्र होता है, एंड्रोशियम का, गाइनोशियम का। इस प्रकार उस जो है वो चक्रीय अवस्था में पाया जाता है, इसलिए साइक्लिक कहते हैं। कैलोट्रोपिस के कैलिक्स जो है वो पांच होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए हम पॉलीसेप्लस कहते हैं। और इसके अंदर जो एस्टिवेशन पाया जाता है, जिसे हम क्विनक्विंसल कहते हैं। क्विनक्विंसल एस्टिवेशन के अंदर दो कैलिक्स अंदर की ओर होते हैं, दो कैलिक्स पूरे बाहर की ओर होते हैं और एक कैलिक्स अंदर बाहर होता है, ऐसी स्थिति को हम क्विनक्विंसल कहते हैं। देन करोला, करोला इज दी मेड अप ऑफ फाइव पेटल्स, इसके अंदर पांच दल पाए जाते हैं और ये आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त दली कहते हैं, गेमोपेटल्स कहते हैं। इनका जो एस्टिवेशन होता है वो ट्विस्टेड होता है, व्यावर्तित होता है और ये बैंगनी सफ़ेद रंग के पुष्प पाए जाते हैं। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जैसा कि आपको बताया गया है कि जो है इसके अंदर आग के अंदर पांच स्टेमन पाए जाते हैं और ये यूनिट स्टिग्मा से, और हम कह सकते हैं कि जो इसके
जायांग का जो ऊपर का भाग होता है उससे सारे के सारे स्टेमन के कोरोना के रूप में घूम करके आकर के उसके ऊपर चिपके हुए रहते हैं। प्रत्येक स्टेमन जो होता है वो एक पोलिनिया के रूप में होता है, दो पोलिनिया होते हैं जो कि रेटिनिकुला के द्वारा जुड़े रहते हैं, और ये पोलिनिया ऑफ एडजेसेंट एंथर्स आर जॉइंट बाय देयर रेटिनिकुला टू द कॉर्पस्कुलम इन ए ग्रूव। जो स्टिग्मा होता है स्टिग्मा के हेड के ऊपर ये सारे एंथर्स जो कि पोलिनिया के रूप में होते हैं, और ये पोलिनिया सारे एक रेटिनिकुला के द्वारा एक कॉर्पस कुलम के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, और उस ग्रूव के अंदर ऊपर से काले हेड के रूप में दिखाई देते हैं। इस पूरी यूनिट को जिसमें पोलिनिया रेटिनिकुला एंड कॉर्पस कुलम होता है इसे हम ट्रांसलेटर या स्थानांतरक कहते हैं। तो यहाँ पर स्टेमन के रूप में जो स्थानांतरक होता है वो स्टिग्मा के हेड के ऊपर काले पॉइंट के रूप में बिंदु के रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक स्टेमन की एक कॉर्नरी आउटग्रोथ होती है जो कि स्टेमन के बेक की ओर उपस्थित होती है। हम देखते हैं कि ये पुष्प के अंदर ऊपर की ओर पांच कॉर्नरी आउटग्रोथ बाहर दिखाई देती है। गाइनोसियम इसका बाइकार्पलरी द्वि अंडपी होता है, लेकिन इसके कार्पल पृथक पृथक होते हैं। ओवरीज फ्री होती है जिसे हम कहते हैं, लेकिन ऊपर के पोर्शन में स्टाइल और स्टिग्मा आपस में फ्यूज होकर के स्टिग्मा के नीचे की ओर जुड़ी हुई दिखाई देती है। प्रत्येक ओवरी सुपीरियर होती है, एक कोष्ठी होती है, और इसके अंदर जो है सीमांत बीजान्यास पाया जाता है। प्रत्येक कोष्ठ के अंदर कई सारे अंडप पाए जाते हैं, और इसका जो स्टिग्मेटिक हेड होता है वो पंचमुखी होता है। विशेष करैक्टर के रूप में मैंने जैसा कि बताया आपको कि कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम गाइनोस्टीजियम कहते हैं। गाइनोस्टीजियम इज बेसिकली अ टेम्परेरी फ्यूजन ऑफ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इज फाउंड इन दिस फ्लावर, और हम कह सकते हैं कि जिसमें एंड्रोशियम पुमंग और जायांग दोनों ही आपस में एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं, एक दूसरे से संयुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो परमानेंटली फ्यूज नहीं करते हैं, और एक एंड्रोशियम जो है वो गाइनोशियम के पास आकर के क्लोजली अप्रेस हो जाता है। इसलिए इसी अवस्था को हम गाइनोस्टीजियम कहते हैं, और विशेष रूप से इसके अंदर स्टेमन के स्थान पर पोलिनेशन और पोलिनियम के रूप में जो कि एक पोलिनेशन का साधन होता है क्योंकि इसके अंदर इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि इंसेक्ट आकर के पुष्प का मकरंद चूसने के लिए या उसके ऊपर फ्लावर की करोला को देख करके अट्रैक्शन लेकर के वो वहाँ पर आता है, और जब वो आकर के उसके पेंटास्टिग्मेटिक हेड के ऊपर बैठता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा के ऊपर आकर के जब वो बैठता है तो उसके पांव जो है वो उनके साइड में लगे हुए स्थानांतरक के कॉर्पस कुलम में फंस जाते हैं, और वो जब लेकर वहाँ से उठता है तो रेटिनिकुला उनकी टांग पर लिपट जाते हैं, और वो जब जाकर के दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठते हैं तो पोलिनिया वहाँ जाकर के गिर जाते हैं, और एक पौधे से दूसरे पौधे में इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होता है। सो ये विशेष प्रकार की व्यवस्था कैलोट्रोपिस के अंदर पाई जाती है, और इसीलिए दो महत्वपूर्ण करैक्टर इसके एंड्रोशियम और गाइनोशियम संबंधित है जिसमें एक ट्रांसलेटर पाया जाता है और दूसरा उसके अंदर गाइनोस्टीजियम पाया जाता है। फ्रूट जो कि दो बड़ी बड़ी फलियों के रूप में जिसे इटारियो फोलिकल कहते हैं वो इस पर पाई जाती है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो फाइबर एक्सट्रैक्ट होता है इसके स्टेम से जिसके द्वारा रस्सी बनाई जाती है, कोर्डेज बनाया जाता है। फ्लोस फ्रॉम सीड यूज एज स्टफिंग मटेरियल, इसके बीजों से निकलने वाले फ्लोस को स्टफिंग मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है। मिल्की जूस जो होता है वो इन्फेंटिसाइड या आर्बोरिटी फेशेंट होता है, ये इसका मेडिकल यूज होता है। लीव्स आर इंसेक्टिसाइडल एंड और ऑल्सो यूज फॉर फर्मेंटेशन, ये कीड़ों को मारने के लिए भी इसकी पत्तियों का जो है वो काम में लिया जाता है। रस पुष्प चित्र अगर हम देखें इसका तो जैसा कि हम देखते हैं नीचे की ओर इसमें ब्रेक दिखाया गया है, ये यहाँ पर ब्रेक मिलेगा आपको। इसके दोनों साइड पर ये ब्रैक्टियोल होते हैं, ये दो ब्रैक्टियोल होते हैं जो कि लेटरल साइड में होते हैं। ये पुष्प की एंटीरियर साइड होती है, और जहाँ पर मात्राक्ष होता है मात्राक्ष वाला हिस्सा जो है वो पोस्टीरियर साइड कहलाता है। तो ये पोस्टीरियर साइड होगी और ये एंटीरियर साइड होगी, और ये दोनों लेटरल साइड होगी। इसमें पांच कैलिक्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बताया कि कैलिक्स इसके जो क्विंटक्विंसल होते हैं दो अंदर होते हैं, जैसे ये एक और ये दूसरा अंदर है, और दो पूरे बाहर होते हैं, ये पूरे बाहर हैं।
और एक अंदर बाहर होता है, एक इसका एक मुंह अंदर है एक बाहर है, तो ये क्विनपुंसियल इसके अंदर जो है कैलिक्स पाया जाता है, और साथ ही अंदर की तरफ जो इसका करोला है वो व्यवस्थित रूप में होता है। ये करोला दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ आपको, वो सारा आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये गैमोपेटलस होता है, और अंदर की तरफ इसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम जैसे कि आपको दिखाया है वो दोनों आपस में एक दूसरे से फ्यूज हैं। तो बाहर की तरफ ये स्टेमिनल करोना दिखा रखा है यहाँ पर, और अंदर की तरफ जो है इसमें आपको पोलिनियम दिखा रखा है। अगर हम इसके एंड्रोसियम की ओर देखें तो यहाँ पर आपको पोलिनियम नज़र आएगा, और सेंटर के अंदर इसमें ओवरी दिखा रखी है जिसके अंदर दो ओवरी दिखाई गई है और दोनों ओवरी अलग अलग होती है, और इसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन दिखा रखा है जिसके अंदर कई सारे ओव्यूल्स दिखा रखे हैं। अगर हम एज ए होल पूरा पुष्प देखें तो ऊपर की तरफ आपको टीएस ओवरी दिखाई गई है, डायग्राम के अंदर आप देखें ये ओवरी का टीएस है, ये पुष्प दिखा रखा है आपको, यहाँ पर कैलिक्स है, ये कैलिक्स है नीचे करोला है, और यहाँ पर ये इसका स्टाइल है स्टिग्मा है, और यहाँ पर ये ट्रांसलेटर दिखाया गया है जिसमें ट्रांसलेटर के ये कॉर्पसकुलम है, ये डंडियाँ जिसकी रेटिनिकुला है, और नीचे की ओर ये पोलिनियम है, और ये पूरा फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर वापस दिखाया गया है। जो इसका फ्लोरल फॉर्मूला है दैट इज प्लस दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K5 फ्री, जो इसके कैलिक्स होते हैं 5 होते हैं फ्री होते हैं, C5 जुड़े हुए हैं, और A5 क्योंकि ये करोला से आपस में जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर A5 दिखा रखा है कैलिक्स करोला के बीच में, लेकिन स्टेमन आपस में एक दूसरे से फ्री है। जी गाइनोसियम इसके अंदर 2 कार्पल है, हालांकि कार्पल एक दूसरे से फ्री है, और ओवरी इसके अंदर सुपीरियर होती है। तो ये आप प्रैक्टिकल फाइल के अंदर इस पूरे पुष्प के बुक से देख करके आप चित्र बनाएंगे, और साथ ही पूरे फ्लावर का डिस्क्रिप्शन आप इस प्रकार लिखेंगे। धन्यवाद।